देश की राजधानी दिल्ली में आज कड़ाके की ठंड है। आज सीजन की सबसे सर्द सुबह रही। आया नगर में आज का तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के साथ ही पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड और शीत लहर की चपेट में है। बिहार, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में ठंडी हवाएं कहर बरपा रही हैं। दिल्ली का तापमान हिल स्टेशनों शिमला, नैनीताल, मसूरी को भी मात दे रहा है। गुरुवार को दिल्ली का तापमान तीन जगहों पर 2.2 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं आज यह और नीचे चला गया है। वहीं बता दें कि गुरुवार को दिल्ली का तापमान इन हिल स्टेशनों से भी कम रहा, जो कि डलहौजी में न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस है, देहरादून का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस है, मसूरी का तापमान 4.4 डिग्री और नैनीताल का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। इसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में कुछ सुधार होगा। इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिल्ली में ठंड ज्यादा हो रही है, तापमान गिर रहा है। एजेंसी के मुताबिक उत्तर भारत में अभी 2 दिन और ऐसी ही शीतलहर व कोल्ड डे वाली स्थिति बनी रहेगी, इसके बाद तापमान में थोड़ा इजाफा होगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब में भी शीतलहर और कोहरे का दौर जारी है। भटिंडा शहर में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया, भटिंडा में घने कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को कहीं आने जाने में काफी दिक्कतें महसूस हो रही। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पछुआ हवा से कनकनी बढ़ रही है। आज से और पारा और गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। ठंड की वजह से बिहार और यूपी के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में चल रही शीतलहर, कोल्ड डे और कोहरे का दौर अगले 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। 8 जनवरी से राजस्थान के ज्यादातर भागों में शीतलहर से राहत मिलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। ठंड को देखते हुए 12 जिले में 9 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय